आओ जी, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में सारे कौन से एरर है? प्रिंसिपल एरर। मतलब किस में गलती हो गई? मूलभूत सिद्धांत में। किस में गलती हो गई? मूलभूत सिद्धांत, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें जनरली क्वेश्चन हम क्या देखते हैं? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस को क्या मान लिया? कैपिटल। या कैपिटल को क्या मान लिया? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस कौन सा होता है? जो कि रेगुलरिंग इन नेचर है, डे टू डे खर्चा हो रहा है। कौन सा? रेंट देना, सैलरी देना, वेजेस देना। जिसको एक बार पेमेंट करी, एक बार बेनिफिट लिया, बात खत्म। अगली बार फिर पेमेंट करनी पड़ेगी बेनिफिट चाहिए तो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार पेमेंट करोगे लाइफ टाइम उसका बेनिफिट एंजॉय करोगे। आप क्या, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी एंजॉय करेगी। प्रॉपर्टी एक बार खरीदी, ना रेंट देने की जरूरत ना कुछ, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग खरीदना, मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सब क्या बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये? फॉर एग्जाम्पल एक बात हो रहा है, यदि एसेट खरीदने के बाद कोई खर्चा हो तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे रेवेन्यू और कैपिटल? यदि खर्चा करने की वजह से उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, वैल्यू, लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एनहेंस होती है तो उसे कैपिटल नेचर मानेंगे, और यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर रेवेन्यू मानेंगे। मैंने कई बार आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए इस चीज के। मैंने एसी लिया, एसी की सर्विस करा रहा हूं बार बार, लेने के बाद 6 महीने बाद से हर 3 महीने बाद सर्विस करा रहा हूं, कैसा खर्चा है? रेवेन्यू सिर्फ 1 टन का है। मैंने इसमें एक कंप्रेसर और लगवा दिया बड़े वाला, अब क्या है? कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस क्या हो गई? बड़ी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, या फिर सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ो ध्यान से एक बार। 15,000 पेड ऑन द वेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। पहला पॉइंट दोबारा ध्यान से पढ़े। 15,000 रुपए खर्च किए हैं कंस्ट्रक्शन पे बिल्डिंग की, और गलती से किसको डेबिट कर दिया बेटा हमने? सैलरी अकाउंट को। डेबिट किसको होना था बोलो? बिल्डिंग अकाउंट को बेटा, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वेजेस है ना। गलती से किसको डेबिट कर दिया? सैलरीज अकाउंट को। तो ठीक कैसे करोगे बोलो? बिल्डिंग को डेबिट कर दो जो डेबिट होनी चाहिए थी, जो डेबिट नहीं होनी चाहिए थी उसको खत्म कर दो। सैलरीज अकाउंट बोलो। पहले पॉइंट में डाउट बेटा, जब आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कराने टाइम कोई भी पेमेंट करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बनाने में जो लेबर जाएगी वो रेवेन्यू खर्चा है कि कैपिटल खर्चा है? एक ही बार खर्च होगा, उससे बिल्डिंग बन रही है तो वो खर्चा कैसा खर्चा है? कैपिटल। तो क्या डेबिट होगी? बिल्डिंग। गलती से आपने किसको डेबिट कर दिया? सैलरी को। जी बेटे, उसने क्या कहा? डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। गलती कौन से अकाउंट में कर दी? तो फिर हम तो सैलरी करेंगे क्या बेटा? यहां पे मैं वही तो बेटे आपको समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। आओ जी, सेकंड पॉइंट पढ़ो बेटा। 20,000 स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। 20,000 रुपए का मटेरियल परचेस किया है, ब्रिक्स परचेस किए होंगे, आयरन परचेस किया होगा, कुछ भी जो बिल्डिंग बनाने में लगता होगा, स्टील परचेस किया होगा, सीमेंट होगा, मिस्त्री कहां से आ गया? मटेरियल है, मिस्त्री मटेरियल होता है। डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। गलती से किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने टाइम जो भी मटेरियल परचेस करोगे उसके लिए कैसा खर्चा है? रेवेन्यू या कैपिटल? असेट को डेबिट करोगे ना, किसको डेबिट करना चाहिए बोलो? बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए। गलती से आपने किसको डेबिट कर दिया? परचेस को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करोगे? बिल्डिंग टू परचेज अकाउंट। हाँ या ना? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, पढ़ो थर्ड पॉइंट। 50,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन समझते हो? हमारे 3 फ्लोर डले हुए, हमने 1 फ्लोर और ऊपर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, कैसा खर्चा है? रेवेन्यू कैपिटल। और गलती से डेबिट किसको कर दिया? बिल्डिंग रिपेयर को। किसको डेबिट कर दिया? दोबारा से बढ़ो, 50,000 रुपए खर्च किए बिल्डिंग को एक्सटेंड करवाने में, बड़ा करने में, एक और फ्लोर डालने में, और गलती से किसको डेबिट कर दिया हमने? रिपेयर को। डेबिट क्या हो रही थी बोलो? और गलती से डेबिट क्या हो गई? रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक कैसे करोगे? बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर मेंटेनेंस। यस और नो?
फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। डाउट किसी को इसमें? फोर्थ पॉइंट पढ़ो बेटा। 25,000 स्पेंड ऑन द व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग। सर न्यू बिल्डिंग पे व्हाइट वॉश भी करवाओगे तो कैसा खर्चा है? कैपिटल। क्या बेटा? कैपिटल। मैंने सेकेंड हैंड कार परचेज करी और जब परचेज कर रहा था तो घर तक लाने में रास्ते मैंने क्या देखा, इसमें हवा कम है। अब 50 रुपए की नाइट्रोजन वाली बढ़िया एकदम, मैंने एकदम अपने टायर्स पूरे फिल करवा लिए, पूरे 50 रुपए लग गए। ये 50 भी कैसा खर्चा है? कैपिटल। उसके बाद दोबारा कभी भी हवा भरवाओगे ना तो रेवेन्यू ही है। पहली बार जो भी खर्चा कर रहे हो वो क्या बेटा? कैपिटल है। असेट खरीदने टाइम जो भी खर्चा किया, मैंने सेकेंड हैंड कार परचेज करी, मैं घर ऐसे तो लेके जाऊंगा तो लोग कहेंगे यार बड़ी बेकार से पुरानी कार ले आया है। तो मैंने उसको एकदम बढ़िया से वॉश करवा दिया, ड्राई क्लीनिंग करा के 800-900 रुपए मेरे 1,000 रुपए खर्च हो गए। कैसा खर्चा है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा खर्चा है ये? फर्स्ट टाइम वॉश करवाई है ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद करोगे तो कौन से एक्सपेंस? जी दो तीन दिन बाद क्या काम कराओगे? रेवेन्यू खरीद ली ना, उसके बाद रेवेन्यू। सर ऐसे तो मैं फिर उसकी सर्विस भी पहली बार कराऊंगा 3 महीने बाद, तो थोड़ी ना उसको कैपिटल मानता रहूंगा। खरीदने टाइम जो भी खर्च, 2-3 दिन की कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद मतलब मुझे टाइम नहीं लगा, मैंने लाके खड़ी कर दी, फिर मैंने बाद में ठीक करवा ली, तो एक अलग बात है। हवा भरवाई है तो क्यों उस खरीदने टाइम हवा भरवाई है, कैपिटल कर दिया। इस चीज में लेके ना बेटा बहुत डिबेट होती है बहुत लोगों की। तो इसमें आप एक स्टडी का आंसर यही है, खरीदने टाइम जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी स्टीरियो इनबिल्ट कराया है बाद में, इसको लेके तो बहुत झगड़ा। इसको ये देखो स्टीरियो वाली बात कर रहे हैं ना, ये मैं आपको बताता हूँ। हम 11.5 लाख की कार परचेज करी और भाई साहब सीधा लाके सीधा घर नहीं लाए, सीधा लेके करोल बाग एलॉय बेस ट्यूब भाई साहब बढ़िया एकदम स्टीरियो बढ़िया एकदम काम करा दिया। पौने 2 लाख रुपए लग गए इसमें टोटल। कितने लग गए? पौने 2 लाख। अब कार कितनी की हो गई? 12 लाख वाली कार 2 लाख ऊपर हो गए, 14 लाख रुपए लग गए टोटल। लग गए। तीसरे दिन गली के बाहर से कोई उठा के ले गया, हमने कहा इंश्योर्ड है? कह रहे हाँ बिल्कुल इंश्योर्ड है। पहली बात तो जो वो सब चीजें लगी थी कैपिटल एक्सपेंडिचर है पर उस पे इंश्योरेंस नहीं है। दूसरा कंपनी कहती है कि नहीं सर इस पे भी इंश्योरेंस नहीं देंगे, हम तो एक्स शोरूम प्राइस पे इंश्योरेंस देंगे। और एक्स शोरूम प्राइस था 9,80,000 रुपए, मतलब 14 लाख के कितने मिले 3 दिन बाद? 9,80,000। तो कहने का भाव क्या है? समझो बात को, तो वो एक अलग चीज होती है। चलो 25,000 रुपए किस बात पे खर्च किया बोलो बेटा? व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश कब कराया? पहली बार? पहली बार। तो किसको डेबिट होना चाहिए था? सर बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी, गलती से क्या डेबिट हो गई? रिपेयर मेंटेनेंस ठीक कैसे करोगे बेटा? बिल्डिंग डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्लियर है? बस भाई छोड़ दो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास में दिए गए सभी उदाहरण काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कोई कार परचेज नहीं करी, कोई कार चोरी नहीं हुई, ठीक है? नहीं बेटे चलो आगे चले, वगैरह हमको चिंता हो गई थी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पैदल चलने वाले इंसान हैं, इधर आओ। वो बेटा जब दूर जाना होता है आसपास तो पैदल ही चल रहे होते हैं। आओ जी फिफ्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। 1,000 पेड ऑन द इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू परचेज सेकेंड हैंड मशीन पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। 1,000 रुपए खर्च किया है नई मशीन को इंस्टॉल करवाने में, तो क्या किसको डेबिट होना चाहिए था? सर मशीन को डेबिट होना चाहिए था, गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? कार्टेज मतलब किराए भाड़े को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? तो ठीक कैसे करोगे? मशीन को डेबिट कर दो और कार्टेज को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो कार्टेज को क्रेडिट कर दो। आया ना? आगे चल सकते हैं, आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। 10,000 पेड ऑन द रिपेयर चार्जेस ऑन अ रीकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। सेम पॉइंट बार बार दिए जा रहा है। क्या परचेज करी हमने बताओ बेटा?
सेकेंड हैंड मशीन भी परचेज करी है, उसकी रिकंडीशनिंग में हमने कितने पैसे खर्च कर दिए? 10,000 रुपए। तो किसको डेबिट होना चाहिए बोलो? मशीनरी को। और गलती से डेबिट किसको कर दिया? जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे बोलो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस, यस और नो? सेवंथ पॉइंट बोलो बेटा, कोई डाउट है इसमें किसी को? सेवंथ पॉइंट बोलो बेटा, 5,000 पेड एज अ रिपेयर चार्जेस ऑफ एन एक्सटेंडिंग मशीन इन यू, सॉरी एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज, चार्जेस टू मशीनरी अकाउंट। ओहो, एग्जिस्टिंग मशीनरी है कोई हमारी, उसके पास छोटे मोटे रिपेयर करवाई है, 5,000 रुपए लग गए, इसको रेवेन्यूचर एक्सपेंस है। एग्जिस्टिंग मशीन जो चल रही है, नई नई खरीदी, एग्जिस्टिंग मशीन मतलब पुरानी मशीन, उसको रिपेयर करवाया, 5,000 लग गए, कैसा खर्चा? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। तो डेबिट किसको होना चाहिए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस को। और गलती से किसको डेबिट कर दिया हमने? मशीनरी को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एट्थ पॉइंट, कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? लास्ट पॉइंट, एट्थ पॉइंट, 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर, 10,000 रुपए पेड किए हैं चेक से प्रिंटर के लिए, चार्जेस टू ऑफिस एक्सपेंस। बाप रे बाप, सर प्रिंटर खरीदना कैसा खर्चा है? रेवेन्यू कैपिटल? तो क्या क्या डेबिट करोगे? प्रिंटर कोई हेड नहीं होता, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स हेड होता है। हेड होता है कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और डेबिट किसको कर दिया बेटा हमने? ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करोगे? कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट किसको होना था बेटा? मैडम मैडम नाराज होता ऐसे कर देता बेटा, प्रिंटर ही डेबिट कर देना, मैडम जो गए वो करना बेटा, हमारी मत मानना, ठीक है? मैडम कहे प्रिंटर डेबिट होगा, प्रिंटर डेबिट कर देना। मैडम कहेगी नहीं जी कंप्यूटर एंड प्रिंटर ठीक है, तो कंप्यूटर एंड प्रिंटर लिख देना। वैसे हमेशा ना हेड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? हेड। प्रिंटर डेबिट, गलती से डेबिट किसको कर दिया हमने? ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो गया। तो ठीक कैसे करेंगे बोलो बेटा? प्रिंटर डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस, ये सुन लो। और ये सारी एंट्रीज क्या लिख लोगे आप दोबारा से मेन आंसर में? ऐसे करके आओगे तो मैडम 2 से 3 नंबर काट लेगी 8 में से। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें दोबारा क्या लिखनी है इसमें, और प्रॉपर नरेशन पास करके करना है। और धीरे धीरे रुको बेटा, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी 50 क्वेश्चन करके कि ये सारी चीजें आप खुद डायरेक्ट पुट कर लोगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए।